हेलो जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नहीं है, अभी तो मतलब 3:30 के लगभग बजे हैं। आप सभी को आप समझ लो, बस आफ्टरनून और इवनिंग दोनों मिक्स हैं अभी फिलहाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज यसु और बाबू आने वाले हैं, तो उस खुशी में मेरे को भाई, मम्मी और मतलब सभी लोग बाहर लेके जाने वाले हैं कि चलो आज खाने पे चलते हैं। वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लगता बाहर जाके खाना, मतलब दोनों तरीके से अच्छा नहीं लगता, लेकिन अच्छी जगह बता रहे हैं। और दूसरी बात कि कभी कभार जाना चाहिए, और फिर ये लोग बोल रहे हैं तो अभी जाना भी चाहिए। कुछ भी समझ लीजिए, आप लोग इतने प्यार से समझा रहे हैं और मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, तो मेरा मन तो नहीं है, पर आज चले जाती हूँ। देखती हूँ इनके साथ जाकर कौन सी कैसी जगह पे लेके जाते हैं, ठीक है। और देखो ये वाला हाथ भी मेरा थोड़ा थोड़ा काम करने लगा है। मैंने अभी इसी हाथ से पकड़ा हुआ है मेरा फोन, ट्राइपॉड नहीं यूज़ कर रखा। अगर ये हाथ दर्द होने लग गया तो इस हाथ से यूज़ करूँगी, ये वाला मतलब हाथ थोड़ा हिल भी सकता है जो फोन है। इसमें आप थोड़ा संभाल लेना सभी लोग, ठीक है। ये कर लेती हूँ भाई, गिर जाएगा। यही तो फोन है, फिर लेके आना पड़ेगा नया। क्या बात, नहीं कोई फायदा नहीं है ना। और हाँ, एक बात बतानी थी मुझे आप लोगों से। मैं बस अभी रेडी हो रही थी, ये बोल रहे हैं कि 5 बजे के लगभग चलेंगे, क्योंकि दूध लेके आना है उधर से ही। वहाँ भी चले जाएंगे रेस्टोरेंट में भी, और फिर उधर से ही जो अपना घर है ना, जो नया घर बन रहा है, फैल गई है अभी खुद के हाथ से। ऐसी ही लगती है, ये हाथ ही ऐसा हो रहा है। तो बस साफ कर लूं। आप तो फैमिली हो, आपसे क्या हो। नहीं कोई भाई, कोई छुपाना नहीं है अपने पास, ठीक है, ऐसा नहीं दिखता। फिर बाद में मम्मी से साफ करवा लूंगी। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ उधर ही अपना घर है, तो सभी जगह जाकर आ जाएंगे। और आते वक्त भाई दोनों बच्चों को ले आएंगे। मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है, ठीक है। और हाँ, एक बात बतानी थी आपसे। ये मेरा जो पेट है, आप लोगों को पता ही होगा, जब चलती फिरती हूँ तो आप लोगों को दिखता होगा कि अभी भी कितना डिलीवरी हो चुकी है, उसके बाद भी कितना सारा पेट है ना मेरे। तो बस इसीलिए मैंने एक प्रोडक्ट मंगवाया है, और ये यूज़ किया हुआ है पहले, जो मेरी एक फ्रेंड है उन्होंने, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे पहले जाते होंगे, पहले लोग काम ज़्यादा करते थे शायद, इसलिए स्लिम स्लिम रहते थे। लेकिन अब ज़्यादातर लेडीज़ें देखी हैं मैंने कि उनके पेट रहता ही है। और अब की बार मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यीशु के टाइम तो चलो चल गया था काम, और अभी तो मैं मतलब दूध भी नहीं पिला पा रही हूँ बाबू को। दूध से जो बच्चे दूध पीते हैं तो उन माओं का पेट है वो ऑटोमेटिक ही काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन अब की बार ऐसा केस नहीं है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने ये मंगवाया है, यूज़ किया जा चुका पहले ये प्रोडक्ट, मेरी फ्रेंड ने बताया मुझे। तो जी ये है मार्स कंपनी का है, और ये स्लिमिंग ऑयल जो है ये 100% नेचुरल है, इतना मैं आपको बता देती हूँ। कि कोई ये नहीं है कि इसमें और ज़्यादा कुछ मिला रखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको मुझे 5-6 दिन हो गए यूज़ करते हुए, और अभी हल्का फुल्का मम्मी कह रही थी, मैं तो क्या बताऊं कि हाँ इफेक्ट कर रहा है। और शायद 1-1.5 महीने में आप लोग खुद बता दोगे मुझे कि हाँ काम कर रहा है ये ऑयल। तो अगर आप लोग भी मंगवाना चाहते हैं तो मार्स कंपनी का है, आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा है। और जहाँ तक मेरा मानना है, जो फ्रेंड है मेरी उन्होंने यूज़ किया है, तो हाँ उनका काफ़ी हद तक जो पेट है वो स्लिम हो चुका है, इसीलिए मैंने ये मंगवाया, और आपसे भी इसीलिए कह रही हूँ, ठीक है। अगर आपका भी थोड़ा बहुत पेट है, ज़रूरी नहीं कि आप प्रेगनेंसी से मतलब डिलीवरी के बाद ही इसको यूज़ करें, इसके अलावा भी अगर पेट पे चर्बी है तो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जी अभी जाना होगा भाई, नहीं तो डांटेगा तक, क्योंकि बाल भी मम्मी से बनवाने हैं, उसके बाद चेंज भी करने हैं कपड़े नए, और फिर थोड़ा थोड़ा सा
मन में खुशी सी हो रही है कि बच्चे आएंगे बच्चे आएंगे। हम तो यही कह रहे थे मैं और मम्मी कि बच्चों को लेकर के और फिर रेस्टोरेंट चलते हैं, लेकिन भाइयों कह रहे हैं कि जो छोटा बाबू है वो थोड़ा अभी ज़्यादा छोटा है तो उसको ऐसे लेके घूमना ठीक बात नहीं है। एक काम करेंगे पहले वो हमें घर छोड़ जाएंगे और फिर यस्सू के लिए या तो पैक करवा के ले आएंगे या फिर यस्सू को रेस्टोरेंट में ले जाके वहीं पे कुछ खिला के ले आएंगे जो इसकी पसंद का होगा। नहीं तो जी मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। आ जाओ। और जाओ। हेलो जी, आज ये मेरे को खाने के ऊपर लेके आए हैं, मतलब खाने पे लेके आए हैं और मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक बार खाने पे आई हूँ, मतलब पहले कभी भी मैं खाने पे नहीं गई, एक बार गई थी बस खाली और तब भी मैंने घर के लिए पैक करवा लिया था कि मैं घर पे जाके खाऊंगी, आज भाई माना ही नहीं। तो जी खाते हैं और उसका पलका लग रहा है, वो LED चल रही है, पलका मतलब पलका नहीं लाइट रिफ्लेक्शन, ठीक है मेरी भाषा में पलका। तो जी मिलते हैं खाना खाने के बाद। क्या क्या खा रहा है भाई? चमका वो आएगा तब दिखाएंगे। हाँ वो आएगा तब दिखाएंगे, ठीक है। अभी हम इंतजार कर रहे हैं अर्जुन का। हाँ अर्जुन का वेट कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। तेरे मुंडे थोड़े नीचे कर कर दें। अरे हाथ तो मेरे में ही रखो, मैं सोच रही हूँ ना बैठ रही है ना। अरे हम बढ़िया तो आ रही है, मेरे फोन ने इतना दलील मत करा करो। जल्दी ये आ गया, देखो खाना कितना अच्छा था। कई दिन हो गए, मैंने तो बहुत दिनों से इतना बढ़िया खाना नहीं खाया है। ओए तेरे लिए नहीं था ये, तेरे लिए बर्गर था, तेरे लिए भी था ये। मैं जल्दी मैं ये खा के बताती हूँ, ठीक है। वैसे तो मेरे ये बंद हैं ये, उसके बाद भी मैं खा रही हूँ क्योंकि कभी ना कभी अपने मन की चीज़ें खानी चाहिए ना, उससे मन खुश होता है।